हेलो एवरीवन, वेलकम टू जगह करें इंस्टीट्यूट। तो देखिए, पिछली क्लास में हमने स्टार्ट कर दिया था नॉमन क्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो कार्बनिक यौगिकों का नामकरण। तो पिछली क्लास तक हमने ये सीख लिया कि सर शब्दमूल का मतलब क्या है आपके लिए, प्रीफिक्स का मतलब अनुलग्न, कुछ हमने नियम भी देखे और हमने स्टार्ट कर दिया था नेमिंग लिखने वाले पार्ट को। ठीक, तो जैसा कि आपको पता है कि हिंदी मीडियम का बिल्कुल कंप्लीट कोर्स चल रहा है और इसमें हम लोग बहुत ही आसानी से, बहुत ही देसी भाषा में, अपने हिंदी वाली भाषा में इस केमिस्ट्री वाले पार्ट को समझते जा रहे हैं। ठीक, आपको कई सारे एपिसोड्स मिलेंगे, एक ही रात में सारे एपिसोड निपटा दो आप। ठीक है, आपको दिख रहा होगा कई सारे एपिसोड है ना इस प्लेलिस्ट में, आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, कई सारे एपिसोड्स हैं, आप सभी एपिसोड्स को एक ही रात में निपटा दो, समझ में आ जाएगा। और अपना 11th का जो स्कूल एग्ज़ाम होता है वो भी आपसे बहुत ही अच्छे से निकल जाएगा, बहुत ही अच्छे आपके मार्क्स आ जाएंगे। ठीक, क्योंकि अभी जितना भी NCERT का सिलेबस है, हम कट टू कट सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ते जा रहे हैं। जितना मुझे NCERT 11th क्लास में जितना आपको रिक्वायरमेंट है, जो जिस चीज़ की जब हमें ज़रूरत पड़ेगी हम वहीं पर पढ़ लेंगे। ठीक है, अब इससे पहले आपने शायद 11th वाला एक को 11th में जो इंग्लिश वाला कोर्स है, आपने इंग्लिश वाला भी कोर्स देखा होगा। इंग्लिश वाला कोर्स काफ़ी ब्रॉड था, वो थोड़ा सा कॉम्पिटेटिव लेवल में चला गया है। ठीक है, फिलहाल हम इस हिंदी मीडियम के लिए हम उतना ही पढ़ रहे हैं जितना अभी आपके लिए ज़रूरत है। ठीक, चलिए सर, फालतू की बातें बहुत होती है। हाँ, तो आपने सर बोला कि पिछली क्लास की जो लास्ट टॉपिक था, अगर आपने देखा हो, ठीक है, तो आपने सर बताया था कि न्यूनतम संख्या का नियम, लोवेस्ट नंबर रूल, हम न्यूनतम संख्या का नियम सीख लिए थे। कि अच्छा ये सर, ये सब हमने सीख लिया था कि हमारे पास पैरेंट चेन होती है, यानी कि एक पैतृक हाइड्रोकार्बन की चेन है, पैतृक चेन के साथ जो साइड में लगा होता है उसे सर हम पास श्रृंखला बोलते हैं, साइड चेन, सब्सिट्यूएंट, प्रीफिक्स, याद है इतना कुछ हमने पढ़ लिया था। तो पिछली क्लास में सर आपने बताया कि अगर मेरे पास पैरेंट चेन के साथ केवल एक ही साइड चेन लगी होती है तो दो पोजीशन हमारे पास होती है, दो सिचुएशन है, या तो हम लेफ्ट से काउंटिंग करते हैं या तो हम राउट से, या फिर हम राइट से काउंटिंग करते हैं। तो जिस तरफ से मेरे पास इस साइड चेन की स्थिति कम से कम आती है, न्यूनतम संख्या पर आती है, वो वाली स्थिति मेरे पास सही हो जाती है काउंटिंग के लिए। ठीक है, और हमें कार्बन के नंबर का काउंट करना होता है नाम को लिखने के लिए। ठीक है, और नेमिंग आपके लिए बिल्कुल अलग से तो नया टॉपिक है, 10th में आपने नाम सुना है। ठीक, चलिए अब हम उसी नियम को, एक नियम को हम और पढ़ लेते हैं। अब मैं एक नियम आपको और बताता हूँ, फिर ये नियम ख़त्म होने के बाद हम एल्केन, एल्कीन, एल्काइन की नेमिंग शुरू कर देंगे और आपको किसी भी प्रकार का कुछ भी दुख तकलीफ नहीं होगा नाम को लिखते वक्त, है ना। अगर आपने लेक्चर को देख लिया है, नोट्स बना लिया है ना, और समझ में आएगा तो इस बात की गारंटी है। हाँ जी, चलिए तो हम आते हैं। तो पिछली क्लास तक ना हम न्यूनतम संख्या का नियम पढ़ लिए थे, क्यों, लोवेस्ट नंबर रूल। अब हम पढ़ने वाले हैं न्यूनतम संख्या योग का नियम, यानी कि लोवेस्ट सम रूल। ठीक, तो जो भी अपना रूल आपने लिखा था ना पिछली क्लास में, उसके नीचे ही अपना रूल कर ले, है ना, रूल नंबर, जो भी रूल अपना है ना, रूल, है ना। हम सर क्या बोल रहे हैं, न्यूनतम संख्या योग का नियम, यानी कि लोवेस्ट सम, सम का मतलब वही योग होता है, लोवेस्ट सम रूल, है ना, न्यूनतम योग का नियम, न्यूनतम क्या मतलब है अभी समझ में आएगा, न्यूनतम योग का नियम। देखिए बहुत ही खतरनाक रूल है ये, खतरनाक सर क्यों, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रूल है, क्योंकि इस रूल से ना हमारी बहुत सारी नेमिंग आसान हो जाएगी, यानी कि इससे ही हमारी ज़िंदगी आसान होने वाली है। और एक्चुअल में ये जो अपना रूल है वो हर जगह अप्लाई होगा, ओपन चेन वाला कंपाउंड हो, क्योंकि आपको पता ना क्लासिफिकेशन में ओपन चेन कंपाउंड, साइक्लिक, नॉन साइक्लिक, है ना, बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी, है ना, असाइक्लिक होता है, नॉन साइक्लिक नहीं होता है। हाँ जी, तो न्यूनतम योग का नियम क्या बात है सर इस पर, अब देखिए चक्कर क्या है, जैसे हम पिछली क्लास में पढ़े थे फिर वहीं से हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मेरे पास ना कार्बन के, है ना, कार्बन की चेन है। ठीक, मैं शॉर्टकट में ऐसे लिख दे रहा हूँ, आपको पता है कि कार्बन की 4 वैलेंसी होनी चाहिए। ठीक, देखिए क्या होता है, अब की बार मान लीजिए मेरे पास कोई ए लगा हुआ है, इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, पैरेंट चेन थी, एक ही साइड चेन था, एक ही पास श्रृंखला थी। अगर एक से ज़्यादा साइड चेन हो जाए तब मुझे किस तरीके से नंबरिंग करनी है, कैसे गिनती करनी है, हम उसकी बारे में बात कर रहे हैं। ठीक, तो सर दो सिचुएशन इसके साथ फिर हो जाएगी, क्या सर दो सिचुएशन, सर एक तो ऐसी सिचुएशन है, जब आप देखिए दो केस हैं, एक तो ऐसा है कि पैतृक चेन के साथ जो साइड चेन लगा है वो दोनों सेम हो, दोनों सेम हो, या फिर दोनों अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, जब सेम है तब हम उसकी बात कर लेते हैं, जब सेम है तब उसकी बात कर लेते हैं। आप एक और 1, 2 जरा आप देखो, है ना,
अभी सेम है ठीक सर। यहाँ तक क्लियर है कि जो आपने ये लिख दिया ना, ये एक पैरेंट चेन है, ये एक पैतृक श्रृंखला है, क्योंकि सबसे लंबी कार्बन की श्रृंखला यही है ठीक। अब सर काउंटिंग करने के दो रास्ते अपने पास है, एक तो सर लेफ्ट से है ना, 1 2 3 4 5 6, सर एक नीचे से 1 2 3 4 5 6 ठीक। अब मैं समझाने के लिए क्या करता हूँ, देखिए इधर का मतलब क्या है, जब मैं लेफ्ट से राइट काउंटिंग किया तो आप देखो हमें क्या करना है कि जो मेरे पास साइड चेन है, इस साइड चेन की स्थिति पोजीशन नंबर के साथ, तो सर जब मैं लेफ्ट से राइट काउंटिंग करता हूँ ना, तो एक जो अपना साइड चेन है वो दूसरे नंबर पर पड़ता है, और जो सेकंड वाला है सर वो चौथे नंबर पर पड़ता है, चौथे कार्बन से जुड़ा है ना, चौथे पे जुड़ता है ना। तो साइड चेन की मुझे स्थितियों का योग करना है, इनकी पोजीशन का सम करना है, तो सर 4 2 6 आता है ना। इधर से सर काउंटिंग करने का एक रास्ता है, इस एरो का मतलब सर अब के बाद मैंने राइट से लेफ्ट में काउंटिंग की, तो सर देखो 1 2 3 सर दिख रहा है सर, एक तो 3 नंबर पे आता है अपना जो साइड चेन है, ए मतलब कोई भी साइड चेन, अभी क्या होगा मैं बताता हूँ आपको, और एक तो सर 5 पे आता है ठीक है, ऐसे तो सर 8 हो गया है ना। तो जब भी एक से ज़्यादा साइड चेन आ जाएगी तब हम क्या करेंगे, उनकी स्थितियों के योग कर लेंगे, उनकी स्थितियों का योग कर लेंगे। अब इस योग में जो सबसे कम है, जो न्यूनतम है, उस तरफ की काउंटिंग सही हो जाएगी ठीक है। 6 बड़ा कि 8 बड़ा, सर जी 6 छोटा होता है, बड़ा तो 8 है, जो छोटा है सर 6 छोटा है, यानी कि 6 किस रास्ते से आया था वो रास्ता सही है, यानी कि ये काउंटिंग सर सही है, राइट है, और ये गलत है, ये रॉन्ग है, राइट है, ये रॉन्ग है ठीक। तो 6 किस तरफ से काउंटिंग करने पर आया था, लेफ्ट से राइट करने पे आया था, यानी कि सर ये वाली काउंटिंग राइट है, और हम इस तरीके से काउंटिंग करके फिर नेमिंग को आगे बढ़ाएंगे ठीक है। यहाँ तक सर क्लियर है, आगे बढ़िए। हाँ अब यहाँ पे देख लेते हैं, सेम वही सिचुएशन, इस बात में कोई भी शक नहीं है कि सर यही मेरे पास अपनी पैरेंट चेन है, पैरेंट चेन को भी संभालना होता है ठीक है। अपने पास पैरेंट चेन है, सबसे लंबी कार्बन की श्रृंखला। अब सर हमेशा की तरह दो रास्ते काउंटिंग करने के, एक तो सर लेफ्ट से राइट, फिर दूसरा राइट से लेफ्ट ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, बात थोड़ा सा समझिएगा। अभी मैं जानबूझ के सेम साइड चेन रखा हूँ ठीक। सेम साइड चेन रखते दो कंडीशन बनती है, या तो ये दोनों नंबर अलग अलग हो सकते हैं, या तो ये दो नंबर सेम हो सकते हैं ठीक है। तो आप देखो जरा यहाँ पे, अब क्या हुआ, मैंने सर लेफ्ट से राइट काउंटिंग की, तो सर ना एक थर्ड नंबर पे आता है साइड चेन, और एक तो सर 5 पे आता है, इसको सर जी जोड़ने पर ना 8 आता है। हाँ जी बिल्कुल, अगर मैं सर राइट से लेफ्ट कर लूँ तो सर एक ना सेकंड पे आता है, एक सेकंड पे आता है, सेकंड पे आता है ठीक है, और एक सर 4 पे आता है, 4 पे आता है, कितना हो गया सर, कितना हो गया सर, है ना सेम हो गया ना। चलिए इस सेम हो गया तो मैं मतलब यही वाला हो गया ना, इसको मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ है ना। अब देखिए यहाँ पे कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, हाँ कि जो समझाना है ना उसकी बातें में। हाँ जी चलिए, ये तो यही वाला हो गया था ना। हाँ जी सर, तो आपने ये बोला कि जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं ना, तो सर एक सेकेंड पर आता है, ये तो सेकेंड पर आता है ना, फिर नेक्स्ट वाला सर 5 पे आता है, 5 पे, तो सर ये 7 हो गया ठीक। राइट से लेफ्ट जाने पे सर एक सेकंड पे आता है, हाँ जी बिल्कुल, फिर एक 5 पे आता है, हाँ जी बिल्कुल, 7 हो गया। तो ये बात बतानी थी है ना, यानी कि सर सेम साइड चेन रखते हुए दो बातें हो सकती है, या तो उनकी स्थिति, अब ये एक से ज़्यादा हो, एक से ज़्यादा 2 3 4 5 कितने भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा है ना, या तो उनकी स्थितियों का सम योग या तो अलग अलग आ सकता है, या तो सेम आ सकता है। अगर अलग अलग आएगा तो छोटा वाला सही है, छोटा वाला सर क्या है, सही है ठीक है। चलिए यहाँ तक तो क्लियर है, और यहाँ तक तो सर पता ही था छोटा वाला सही है ठीक। अगर सर सेम आ जाता है तो कहीं से भी काउंट करो, ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों सही है, लेकिन कब तक, जब तक यहाँ पर जो साइड चेन है ना, साइड चेन सेम हो। ये एप्लीकेबल तभी है जब पार्श्व श्रृंखला समान पार्श्व श्रृंखला हो, यानी कि सर ये कब है, जब समान पार्श्व श्रृंखला हो, जब समान होगा तभी सही है ना, असमान होगा तो गलत हो जाएगा, तब वहाँ पे रूल अलग है। तो मेरे ख्याल से ये बात क्लियर है ना। अब इसी पर बेस करके हम लोग आगे पढ़ेंगे जो भी क्वेश्चंस हैं ठीक है, ये चीज़ स्टार। अब देखिए, अब मैं इसको डिफरेंट करता हूँ, आप देखो 1 2 3 4 5 6 ठीक। अब हम डिफरेंट ले लेते हैं है ना, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर ए लगा था ठीक है,
एंड यहाँ मान लीजिए आप बी लगा हुआ था, ठीक है ऐसे। अब नेक्स्ट देखिए 1 2 3 4 5 6, ठीक। फिर भाई अपना ए लगा हुआ था सर, और फिर अपना बी लगा हुआ था। अब चेक करते हैं हम लोग इस केस में क्या होता है, ठीक। सर इसमें कोई भी दुख तकलीफ़ नहीं है कि सर अब की बार फिर से पैरेंट चेन वही है, क्योंकि अभी हमारा मेन मुद्दा मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि योग का नियम यानी कि सम का रूल क्या है। पैरेंट चेन को ध्यान रखना है, ठीक है, लेकिन पैरेंट चेन वाली बात पे अभी स्ट्रेस मैंने नहीं देना है, है ना। अभी स्ट्रेस इस बात पे देना है कि काउंटिंग कैसे करनी है, ठीक। सर ये क्लियर है, फिर सर वही दो रास्ते होंगे, है ना। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। 1 2 3 4 5 6, ठीक है सर, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, ऐसे तो हम काउंटिंग कर लेंगे, ठीक। सर अगर मैं लेफ्ट से राइट काउंटिंग करता हूँ तो एक जो साइड चेन है ना वो सेकेंड पोजिशन पर पड़ता है, ठीक है सर, बिल्कुल। और एक साइड चेन सर फोर पे पड़ता है, हाँ जी बिल्कुल। तो सर ये सिक्स हो गया, हाँ सिक्स हो गया। अगर मैं राइट से लेफ्ट करता हूँ तो सर एक तो सर थर्ड पे पड़ता है सर, एक थर्ड पे आता है, और एक सर फिफ्थ पे आता है, ठीक है, थर्ड वाले कार्बन पे फिफ्थ वाले पर, सर ये एट हो गया, है ना, सेम कंडीशन। सर आपने बताया कि सर छोटा वाला लेते हैं, जो न्यूनतम होता है ये लेते हैं, यानी सर ये सही काउंटिंग है, ये सही काउंटिंग है, और ये सर ये गलत काउंटिंग है, ये सर गलत काउंटिंग है, है ना। ऊपर नीचे वाले में सर डिफरेंस क्या था? डिफरेंस इस बात का था कि यहाँ पर सर जो साइड चेन थी ना वो सेम थी, सेम साइड चेन, है ना, लेकिन सर यहाँ पर जो साइड चेन है ना वो डिफरेंट है, इसी बात का डिफरेंस है, ये साइड चेन डिफरेंट है, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ पर हमारी ज़िंदगी में बाहर आएगा, और बाहर सर कैसे आया जरा आप बता दो। हाँ सर वही फिर से आप करेंगे, हाँ काउंटिंग, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है सर, यहाँ तक सर कोई तकलीफ है ही नहीं। तो 1 2 3 4 5 6, सर मुझे बार बार क्या ऊपर और नीचे काउंट करते रहना है क्या? नहीं, ये मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, इसके बाद जब आप समझ लोगे तो आप एक ही बार में ना सही वाला काउंट लिखना, ठीक। अब यहाँ से देखिए थोड़ा सा एक बहुत ही ख़तरनाक बात मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर जब मैं सर लेफ्ट से राइट काउंटिंग करता हूँ तो सर सेकेंड नंबर पर आता है ए, ठीक है, फाइव नंबर पर सर आता है बी, सर अपना सेवन हो गया, ठीक। सर उधर से नीचे वाले रास्ते से सर बिल्कुल सेम है सर, सेकंड पे बी आता है, और सर फिफ्थ पे सर ए आता है, सर सेवन हो गया। अब इस स्थिति में, इस कंडीशन में, देखिए मैं जानबूझ के ना हर चीज़ को हिंदी में बोलता हूँ क्योंकि हिंदी मीडियम का कोर्स है, लेकिन मैं कंडीशन बोल सकता हूँ, अब इसको मैं स्थिति बोलूँ परिस्थिति बोलूँ, इतने में तो आपको दुख तकलीफ नहीं होना चाहिए ना। तब इन दिस कंडीशन, अब इस कंडीशन में, इस परिस्थिति में मुझे क्या करना है, ठीक है। अब कहीं से भी काउंटिंग नहीं होगी, कहीं से भी काउंटिंग कब तक है? जब तक सब कुछ सेम चल रहा है। लेकिन सर यहाँ तो सर डिफरेंट है ना, हमारी आंखों में चमक है सर, एक ए है और एक बी है, ए बी मतलब दो अलग अलग, दो डिफरेंट साइड चेन है। तो अब क्या करें हम सर? अब ध्यान से सुनेंगे, है ना, इसको मैं नोट करके यहाँ लिखता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, तब मैं यहाँ लिखता हूँ नोट करके। ऐसी स्थिति में अगर हम फंसेंगे तो अपन लोगों को नोट निकालना है, है ना, नोट में हम करेंगे क्या करेंगे सर? ऐसी स्थिति में ना हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करते हैं, है ना। हमें क्या करना है? फॉलो अल्फ़ाबेटिकल मतलब जानते हैं ना आप, अंग्रेजी के वर्णमाला क्रम को, है ना, क्या होता है सर? देखिए अल्फ़ाबेटिकल यानी कि फॉलो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, यानी कि जो अंग्रेजी का वर्णमाला होता है ना ए बी सी डी ई एफ जी, उसके अकॉर्डिंग मुझे फॉलो करना है, ए बी सी डी डॉट 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 ऐसे, है ना, इस तरीके से। अब सर ये आपने क्या बोल दिया, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर मतलब क्या है, है ना। देखिए जो भी साइड चेन लगी होगी उसका एक नाम होगा, देखिए आप यहाँ पे इंग्लिश का रोल आता है ना, क्योंकि हिंदी में तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर हमें देखना नहीं है, हमें इंग्लिश में देखना है ना ये चीज़, है ना, ठीक। यानी कि जो भी सर साइड चेन होता है ना उसका नाम होगा, उस नाम का जो पहला लेटर है वो कोई अल्फ़ाबेट होगा। अब वो जो पहला लेटर है उसमें हमें देखना है कि जो इंग्लिश की वर्णमाला होती है उसमें पहले क्या आ रहा है। मान लीजिए दो थे, ए और बी थे, ए जो साइड चेन था उसका नाम सर बी से स्टार्ट होता है, है ना, बी एक साइड चेन था जिसका नाम सर सी से स्टार्ट होता है, तो बी और सी, तो सर अंग्रेजी के वर्णमाला में पहले बी आता है फिर सी आता है, तो पहले बी आया, इसका मतलब कि मैं बी वाले को प्रियोरिटी दूंगा, बी को वरीयता दूंगा, और बी की स्थिति को मैं समान रखूंगा, बी की स्थिति को मैं छोटी रखूंगा, यानी कि मैं बी की स्थिति को छोटी रखूंगा, ठीक। मैं एक एग्जांपल समझाता हूं, देखिए मान लेते हैं एक बार इसमें कि सर जो ए वाला साइड चेन है ना उसका जो नाम है उस नाम के स्टार्टिंग का जो अक्षर है ना वो ई से है, मतलब एक नाम होगा जो ए साइड चेन है उसका एक नाम होगा, उसका स्टार्टिंग का अक्षर ई से स्टार्ट होता है, ठीक।
और एक सर जो बी साइड चेन है उसका स्टार्टिंग का अक्षर बी से स्टार्ट होता है, चलिए बी हटा देते हैं, सी से स्टार्ट होता है, ठीक, एक नाम है ऐसे, ठीक। अब इसमें क्या देखना है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर इस चीज़ को देखना है, ये सर पहला अल्फ़ाबेट है ना। अब आप बताओ पहले ए बी सी डी में पहले ई आएगा कि सी आएगा, तो सर ए बी सी डी ई, पहले सर सी आता है फिर ई आता है, यानी कि सर सी पहले आता है, सी पहले आता है, इस वजह से मैं सी को प्रायोरिटी दूंगा, यानी कि सी वाली पोजीशन को मुझे न्यूनतम रखना है, सी को मुझे न्यूनतम रखना है ना, सी को सर न्यूनतम रखना है, कहाँ गया, हाँ सी सर बी है ना, यानी कि जो बी का नाम है वो सी से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका मतलब सर बी को मुझे न्यूनतम रखना है। अब बी न्यूनतम किस रास्ते से है, ऊपर से मैं काउंटिंग करूँगा तो सर बी पाँचवें नंबर पर आता है, नीचे से करने पर सर बी है ना सेकेंड नंबर पर आता है, यानी कि सर नीचे वाली काउंटिंग राइट हो जाएगी अगर ये स्थिति रहती है तो, ठीक है, बात समझ में आ गई, ठीक है। चलिए अगर तो थोड़ा सा कम समझ में आया तो अभी जब इसे हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे तो आपको एग्जांपल के थ्रू और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ तक क्लियर है, सही है, तो सेम होगा तो कहीं से भी काउंटिंग कर लो, इसमें छोटा वाला सेम आ गया, सेम थे कहीं से भी कर लो, डिफरेंट है कुछ भी हो, लोवेस्ट सम रूल छोटा वाला नंबर, अगर अलग अलग आ गया तो इनका नाम देखो आप, अल्फ़ाबेट देखो, जो अल्फ़ाबेट पहले आता है उसको हमें लोवेस्ट नंबर रखना है, तो वो रास्ता वाला काउंट हो जाएगा, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब हम इसको रफ करते हैं और इसको बहुत ही अच्छे से आप लोग नोट कर लें, और एक एक बात ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के थ्रू है ना, इसको मैं भी समझाता हूँ, ठीक है, नोट कर लें, ये सही है क्यों, इस कंडीशन में सही है यार, ठीक, तो इसको बहुत ही अच्छे से आप नोट कर लें, फिर हम बात करते हैं सर कि किस तरीके से हम ओपन चेन कंपाउंड यानी कि सर विवृत श्रृंखला यौगिक के नाम लिखेंगे और फिर आपके ज़िंदगी में बाहर आएगी, ठीक है, तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। हाँ जी, ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग नेमिंग ऑफ ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स, ठीक, यानी कि अपना विवृत श्रृंखला यौगिक का नामकरण, ठीक है, इसको मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ, कोई तकलीफ नहीं है आपको, है ना, नेमिंग ऑफ ओपन चेन, ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, ओपन चेन कंपाउंड हम पढ़ चुके हैं विवृत श्रृंखला यौगिक, है ना, जिसमें एल्केन एल्कीन एल्काइन आते हैं, क्यों एल्केन एल्कीन एल्काइन आते हैं, इतना हमने पढ़ रखा है, ठीक। अच्छा, पिछली क्लास में मैंने आपको एक बहुत ही खतरनाक रूल दिया था कि सर सबसे पहले आप सेकेंडरी प्रीफिक्स लिखते हो, फिर सर प्राइमरी प्रीफिक्स लिखते हो, फिर आप सर वर्ड रूट लिखते हैं, फिर सर प्राइमरी सफिक्स लिखते हैं, फिर सर सेकेंडरी सफिक्स लिखते हैं, ठीक है, ये आपने बताया था, ठीक है, प्रीफिक्स यानी पूर्वलग्न, पूर्वलग्न बोल के बहुत कुछ बड़ा हम हासिल नहीं कर लेंगे, प्रीफिक्स बोले ठीक है, वर्ड रूट मतलब शब्दमूल, है ना, जो नंबर है मैक्सिमम कार्बन का वो प्राइमरी सफिक्स मैंने आपको बता दिया था Ne9, एंड सेकेंडरी सफिक्स अपना जब फंक्शनल ग्रुप आता है तब, तो जब क्रियात्मक समूह आएगा तो उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक। चलिए अब हम बात करते हैं सर हम लोग एल्केनों का नामकरण, है ना, नेमिंग ऑफ एल्केन्स, तो सर एल्केनों का नामकरण तो मुझे उस वाले रास्ते पर चल के ही करना है, ठीक। चलिए मैं कोशिश करता हूँ कि आज एल्केन पूरा ख़त्म कर दूँ, है ना, अलग अलग टाइप के एग्जांपल लूँगा, फटाफट समझते हैं हम। देखिए एक ही कार्बन था, कुछ बातें मैं बता देता हूँ जो आप ध्यान रखिएगा, बार बार वो यूज़ होगा, ठीक है। चलिए तो सबसे पहली बात मुझे कि काउंटिंग करनी किसकी सर, कार्बन की, तो हमेशा कार्बन की काउंटिंग होती है, ध्यान रखिएगा, है ना, हमेशा कार्बन की काउंटिंग होती है, और मुझे जो न्यूनतम संख्या का नियम है लोवेस्ट नंबर का रूल और लोवेस्ट सम रूल, इसे फॉलो करना है, ठीक। सेकेंडरी प्रीफिक्स आपको पता होना चाहिए कि अल्काइल ग्रुप क्या होता है, हैलोजन क्या होता है, इनके नाम क्या होते हैं सर, मेथिल एथिल प्रोपिल मैंने आपको बताया था, क्लोरो ब्रोमो आयडो, है ना, इनके ये क्या होते हैं आपको पता होना चाहिए, ठीक है, सिंपल सी बात। चलिए अब आते हैं हम लोग, तो सर मैंने काउंटिंग कर लिया, ठीक, वन, हाँ जी, ठीक है, तो हम ये देख रहे थे कि हाँ मुझे पता है कि सबसे पहले मुझे काउंटिंग करनी है सर कार्बन के, तो एक ही कार्बन है, ठीक, तो वन कार्बन। अब देखिए यानी कि मेरे पास एक कार्बन का पैरेंट चेन है, एक कार्बन का मेरे पास पैतृक चेन है, ठीक, क्या इस कार्बन के साथ कोई और साइड चेन लगी हुई है, नहीं लगा है सर, सर साइड चेन की वजह से ही प्रीफिक्स आता है, ठीक, मतलब कि एक कार्बन है कोई प्रीफिक्स है नहीं, तो हम सर इस पर आते हैं वर्ड रूट पे, वर्ड रूट मतलब शब्दमूल, एक कार्बन का शब्दमूल क्या होता है सर, मैथ होता है ना, पढ़ा ना, वन कार्बन से मैथ, दो से सर एथ, ठीक, मैथ, तो लिख दिया मैथ, ठीक। अब आता सर प्राइमरी सफिक्स, ठीक, प्राइमरी सफिक्स का मतलब क्या है, कार्बन किस बॉन्ड से लगा है, तो कार्बन सर सिंगल बॉन्ड से लगा है, CH4 के बीच में सर सिंगल बॉन्ड है, तो सर सिंगल बॉन्ड से सर एन होता है, एन होता है, ठीक है, पता है, सिंगल बॉन्ड से सर एन, एन, ठीक है,
मिथ, फिर सर एन, तो हो गया सर मीथेन, ठीक है मीथेन, हिंदी का नाम बिल्कुल सेम वैसा ही, तो सर मीथेन आपको पता भी था मीथेन, ठीक। सेकेंडरी सफिक्स इसमें कुछ है ही नहीं, ठीक। तो सी एच फोर पता है सर मीथेन होता है, मीथेन इसका यूपीएससी नेम है, इसे हम लोग मार्स गैस भी बोलते हैं, सर क्या बोलते हैं, मार्स गैस, हिंदी लिख दूँ, हाँ मार्स गैस, ये मार्स गैस के नाम से होता है और नेचुरल गैस का बहुत ही बड़ा सोर्स भी है ये, ठीक है मीथेन, ठीक। चलिए अब देखिए, अब मैं कुछ बड़ी बड़ी बातें करूँगा। सर दो कार्बन हो गया, सिंपल सी बात सर, वन टू, दो कार्बन का पैरेंट चेन, कोई भी साइड चेन नहीं है, तो कोई भी प्रीफिक्स नहीं आएगा। वर्ड रूट सर टू कार्बन, सर एथ होता है, एथ हो गया है ना। प्राइमरी सफिक्स कार्बन, कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड से सर एन आता है ना, तो ईथेन हो गया सर है ना, ईथेन है ना, तो मीथेन ऐसे ईथेन। अब ईथेन जैसा हिंदी में लिखा जाता है वैसे आप लिख लो, ठीक है ऐसे ईथेन, ठीक है। तो नेमिंग आप इंग्लिश में लिख सकते हो ना, लेकिन अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो आप उसे हिंदी में लिखना है ना, हिंदी में, ठीक ऐसे। तो ईथेन, एथ क्या होता है, एथेन है ना, तो मीथेन एथेन, एथेन का ऐसे लिखा जाता है, क्यों एथेन, क्यों ऐसे एथेन, ठीक। चलिए अब हम कुछ बड़ी बातें करते हैं, कुछ बड़ी बातें मतलब सर है ना ऐसे, तो वन टू थ्री फोर फाइव, ठीक। मान लीजिए सर यहाँ पर ऐसे इस तरीके से लगा हुआ है, ठीक। सबसे पहली बात, लंबी कार्बन की श्रृंखला का चुनाव, सर लंबी श्रृंखला देख लेते हैं, वन टू थ्री फोर, ठीक आगे भी है, वन टू थ्री फोर फाइव, ठीक है। तो सर फाइव लंबी कार्बन की श्रृंखला है सीधी वाली, ठीक। सर दिख रहा है कि एक ही साइड चेन है, एक ही साइड चेन है, सर दो रास्ते होते हैं काउंटिंग के, वन टू थ्री फोर फाइव, लेफ्ट से सर राइट करने पे तीसरे वाले नंबर पे सी एस थ्री आ रहा है, यही सी एस थ्री अपना साइड चेन है जो कि प्रीफिक्स है। अब ये प्रीफिक्स सर कैसा है, सेकेंडरी प्रीफिक्स है, क्योंकि सी एस थ्री आर होता है यानी कि अल्काइल ग्रुप होता है, और सी एस थ्री से सर हम क्या बोलते हैं, मेथिल समूह यानी कि मेथिल ग्रुप, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। सिंपल सी बात है सर, सर लेफ्ट से राइट करने पे तीसरे पे आ रहा है, उधर से भी एक बार चेक कर लेते हैं ना, वन टू थ्री फोर फाइव, सर एक ही था, कहीं से भी करने पे सेम पोजीशन पे आ रहा है, तो मैं लेफ्ट से करूँ या फिर राइट पे करूँ, सेम नंबर पे आ रहा है ना, कहीं से भी आप काउंटिंग कर सकते हो, ठीक ये चीज़। अब की बार सर पैरेंट चेन के साथ साथ एक साइड चेन लगी हुई है, और ये साइड चेन कौन सी है, ये किस बात से पता चलेगी, पहली बात तो सर ये साइड चेन एक सेकेंडरी प्रीफिक्स ही होगा पक्का, क्लियर है, क्योंकि प्राइमरी प्रीफिक्स तो सर साइक्लिक वाले कंपाउंड में आता है, और अभी तो सर हम अपना ओपन चेन कंपाउंड पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये सर बात क्लियर है कि सेकेंडरी प्रीफिक्स ही आने वाला है। अब इसमें सर कौन सा हमने पढ़ा था, हैलोजन होता है और अल्काइल ग्रुप होता है और NO2 NO वगैरह होते हैं, ठीक। NO2 NO तो सर दिख नहीं रहा है सी एस थ्री, हैलोजन सर है नहीं, क्योंकि हैलोजन में तो सर फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन होता है, इसका मतलब कि सर आर वाली कैटेगरी बची यानी कि अल्काइल ग्रुप बचा है, तो ये अल्काइल ग्रुप ही है ना। अब इसमें से ये वन कार्बन का है ना, तो वन कार्बन से सर हम मेथिल बोलते हैं, ठीक है। अब इस बात पे आप ध्यान रखिएगा, मैंने पहले पढ़ा रखा है, ठीक। अब इस मेथिल की पोजीशन को ना नंबर के साथ लिखते हैं, सर तीसरे नंबर पे है ना, तो लिखेंगे सर हम लोग थ्री, फिर हाइफन, फिर मेथिल, ठीक है समझे। पोजीशन के साथ सेकेंडरी प्रीफिक्स हो गया, प्राइमरी प्रीफिक्स सर नहीं है। वर्ड रूट सर फाइव, फाइव सर कार्बन से हम पेंट, फाइव से सर पेंट होता है, पेंट ओनली वर्ड रूट है, शब्द भूल है। प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स सर एन इन आइन होता है, अभी मेरे पास एल्केन लिखा हुआ है यानी कि सर कार्बन कार्बन में हर जगह सिंगल बॉन्ड ही है, इस वजह सर प्राइमरी सफिक्स सर एन, तो हो गया अपना है ना थ्री मेथिल पेंटेन, ठीक है समझ में आ रहा है। पेंट अपना वर्ड रूट है, एन प्राइमरी सफिक्स है यानी कि प्राथमिक अनुलग्न है, ठीक। अब हिंदी में सर तो थ्री मेथिल पेंटेन, ठीक है, यानी कि हिंदी में कुछ नया नहीं, सिंपल सा वैसा ही है। अच्छा कुछ मैं बातें आपको फिर से समझा देता हूँ, कुछ नई नई बातें। इसे बोलते हैं हम न्यूमेरिकल वैल्यू, क्या बोलते हैं सर, न्यूमेरिकल वैल्यू, समझिएगा ये कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है ना, मतलब कोई आंकिक मान है, आंकिक मतलब आंकिक मान है, ठीक है क्लियर है। एम क्या है सर, एम एक अल्फ़ाबेट है, एम का मतलब मेथिल, मैं इंग्लिश ले रहा हूँ, एम एम मतलब सर अल्फ़ाबेट है, अल्फ़ाबेट है, ठीक है। तो अगर कभी मुझे नाम लिखते वक्त किसी न्यूमेरिकल वैल्यू और अल्फ़ाबेट को अलग अलग करना है, उनको सेपरेट करना है, तो इनकी इनके बीच में सर क्या होगा, इनको सेपरेट करने के लिए हम बीच में हाइफन का प्रयोग करते हैं, इसे बोलते हैं हम लोग हाइफन, क्या बोलते हैं सर हम लोग हाइफन,
हाइफ़न बोलते हैं इसे हम लोग, ठीक है। हाइफ़न ये सिंबल है जो कि आप देखोगे कीबोर्ड में, एक कंप्यूटर का टर्म है ना, आपको पता ना, इसे हम बोलते हैं अंडर स्कोर, इसे बोलते हैं हम हाइफ़न, कोलोन, सेमी कोलोन, है ना, परसेंटेज, ट्विडल, कैरेट, है ना, पढ़ा आपने कंप्यूटर, तो ये उसका एक कीबोर्ड का एक टर्म है ना, तो ये हाइफ़न, ठीक है, डैश नहीं बोलते हैं, हाइफ़न बोलते हैं, ठीक है, ये चीज़ है। खैर, तो मैंने सर एक बात बताई आपको कि अगर न्यूमेरिकल वैल्यू और अल्फ़ाबेट को सेपरेट करना है तो बीच में हम हाइफ़न लगाएंगे, ध्यान रखना हाइफ़न, बीच में कॉमा, स्पेस कुछ भी नहीं छोड़ना है, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही लिखना है, यानी कि इन दोनों के बीच में सर हाइफ़न ही लगाना है, इसके बीच में कोई भी कॉमा नहीं आएगा, कोई भी स्पेस यानी कोई खाली जगह मत छोड़ देना, और कुछ नहीं, हाइफ़न लगाना है, ठीक, ये क्लियर है सर। एक एग्जांपल और देता हूँ सर, चौथा एग्जांपल, ठीक है, जैसे देखो आप CH3, ठीक है, जो भी मैंने टाइप लिखवाया उस पर हम एक एक एग्जांपल देख लेते हैं। अब इसमें देखें आप सर, लंबी कार्बन की श्रृंखला 1, 2, 3, 4, 5 यही है, देखो 1, 2, 3, 4, 5 ये भी हो सकता है, ठीक है, या फिर देखिए 1, 2, 3 ये तो सर नहीं है, कतई नहीं है, तो 1, 2, 3, 4, 5 या तो आप ये कर ले, या फिर सर 1, 2, 3, 4, 5 ये वाला कर ले, ठीक है, सिमिलर सी बातें हैं। तो लंबी कार्बन की श्रृंखला सर मिल गई, अब काउंटिंग के सर दो रास्ते, 1, 2, 3, 4, 5 या तो ये या तो 1, 2, 3, 4, 5, है ना, दोनों में क्या डिफरेंस है ना सर, एक ही एक पैरेंट चेन होती है, ठीक है, एक ही साइड चेन है, अब एक साइड चेन है तो दो ही पोजीशन है, ऊपर से सर करने पे सेकंड वाली पोजीशन पे मिथाइल आता है सर, नीचे से करने पे चार वाले नंबर पे मिथाइल आता है, तो आपने सर बोला था ना कि न्यूनतम संख्या का नियम, तो उसके अनुसार सर लेफ्ट से राइट काउंटिंग सही है ना, बिल्कुल। अब हम नाम लिख देते हैं, तो सर सबसे पहले हम प्रीफिक्स लिखते हैं, यानी कि सेकेंडरी प्रीफिक्स पोजीशन के साथ में, तो सर ये दूसरे नंबर पे है, आपने सर बोला न्यूमेरिकल वैल्यू यानी कि आंकिक मान को हम हाइफ़न के थ्रू एक अक्षर से सेपरेट यानी कि अलग करते हैं, दो के बाद सर मेथिल, तो 2-methyl, पहले मैं इंग्लिश नाम लिख देता हूँ क्योंकि इंग्लिश नाम है ना अच्छा लगता है, हो गया 2-methyl सर, 2-methyl हो गया यानी कि प्रीफिक्स सर हो गया, प्राइमरी प्रीफिक्स सर होता नहीं क्योंकि सर ओपन चेन कंपाउंड है, वर्ड रूट सर जी 5 कार्बन होता है, 5 कार्बन इसमें, तो 5 कार्बन सर पेंट होता है, 5 से पेंट, सब सिंगल बॉन्ड से लगा तो सर प्राइमरी सफिक्स एन हो जाएगा, है ना, सिंपल सी बात सर, 2-methylpentane, 2-methylpentane, ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं सर, 2 है ना मेथिल पेंटेन, मेरे ख्याल से क्लियर है, ये बात क्लियर है ना, ऐसा ही लिखना है। अच्छा एक बात और भी मैं समझा दूँ आपको, है ना, आपको एक बात दिख रहा होगा, है ना, अभी थोड़ा सा समय लग जाएगा फिर आप समझ जाओगे, मेथिल दिख रहा, मेथिल और पेंट, मेथिल और अल्ला और पा अल्फ़ाबेट है, यानी कि अल्फ़ाबेट अल्फ़ाबेट लिखते वक्त बीच में कोई भी स्पेस नहीं होता है, यहाँ पर नो गैप है ना, देर इज नो गैप इन बिटवीन अल्फ़ाबेट, यानी कि अल्फ़ाबेट लिखते वक्त बीच में कोई भी गैप नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये बात समझें आप, ऐसा नहीं कि मेथिल यहाँ लिखा है बीच में स्पेस देने के बाद पेंट यहाँ लिख दिया है, ठीक है, जरा मैं आपको समझा दे रहा हूँ, है ना, ऐसे नहीं लिखना है, देखो तो सर पहले पहले मेथिल फिर पेंटेन, अच्छा सर ये बातें होती हैं क्या, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं ना, मेथिल फिर पेंट ऐसे लिखा बीच में स्पेस छूटा है, ऐसे नहीं लिखना है, ठीक, तो ये लिखने का तरीका नहीं होता है, जो मैंने लिखा है ऐसे ही लिखना है, यानी कि नंबर हाइफ़न मेथिल पेंटेन सब कुछ साथ में मिला के, कोई भी बीच में गैप नहीं होगा, नो गैप, ठीक है, यानी कि सर अल्फ़ाबेट अल्फ़ाबेट लिखते वक्त बीच में कोई भी गैप नहीं होता है, नई बात ये लिख लेंगे हम, नो गैप करके आप इसको स्टार से दिखा देंगे, स्टार स्टार वाली कैटेगरी है ना, यानी इंपॉर्टेंट है। चलिए एक मैं आपको डिफरेंट वाला करवाता हूँ, ठीक, देखना जरा, देखो 1, 2, 3, 4 ठीक है, 5, 6 अब देखिए जो मैं रिप्रेजेंटेशन यूज कर रहा हूँ बेसिकली ये एक अपना है ना, ये एक अपना स्ट्रक्चरल फॉर्मूला का रिप्रेजेंटेशन है, इसी को मैं बॉन्ड लाइन से भी शो कर सकता हूँ, मैंने आपको बताया था, ठीक है, अब देखिए है ना सर, यहाँ पे आपने खाली जगह छोड़ रखा है, मतलब यहाँ पे सर कुछ भरने वाले हैं क्या आप, हाँ ठीक है, चलिए देखते हैं सर, सबसे पहली बात पैरेंट चेन क्या क्या हो सकती है, तो 1, 2, 3 हो सकता है, 1, 2, 3, 4, 5 हो सकता है, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 जैसे कर लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4 नहीं
वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, या तो आप ये कर लें या फिर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, दोनों सेम बातें हैं, दोनों सर बात सेम है, क्योंकि ये सिक्स करने के बाद है ना दो साइड चेन रहेगी, और वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स करने के बाद भी दो साइड चेन रहती है ना। यानी कि सर क्लियर है कि पैटर्न चेंज तो सर यही है। ठीक सर, काउंट करने के दो रास्ते हैं है ना, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। ठीक सर, अब की बार दो साइड चेन लगा है, यानी कि अब ये वो वाला केस जो अभी आपने बताया, दो साइड चेन मतलब स्थितियों के सम का योग, यानी कि पोजीशन का सम कर देना है। तो जब मैं सर लेफ्ट से राइट काउंटिंग करता हूँ, एक तो सर मिथाइल दूसरे नंबर पे है, नेक्स्ट वाला सर फोर नंबर में मिथाइल है, तो सर चार दो छः होता है। ठीक है, अगर मैं राइट से लेफ्ट में काउंटिंग करूँ तो सर एक मिथाइल ना तीसरे नंबर वाले कार्बन पे है, तीसरे नंबर वाले कार्बन पे है। ठीक है सर, एक सर पाँचवें नंबर वाले कार्बन पे है, सर सर एट हो गया है ना। आपने सर बोला था कि इस स्थिति में छोटा नंबर जिस रास्ते से आएगा ना वही रास्ता काउंटिंग का होता है, तो सिक्स नंबर सर किधर से आया, लेफ्ट से राइट, यानी कि सर ये वाली काउंटिंग सही है और ये काउंटिंग गलत है। ठीक, अब आप नाम लिख दो। और सर दिख रहा है कि ये मिथाइल मिथाइल दोनों सेम है, ये आपने बताया था कि जब सेम साइड चेन लगे तो कैसे होता है। ठीक है, अब देखिए, अब सर नाम कैसे लिखेंगे, नाम लिख लेंगे ना हम, प्रीफिक्स है सर ये मिथाइल प्रीफिक्स है, तो पोजीशन को लिखेंगे हम लोग साथ में। ठीक, आप देखो नंबर के हिसाब से लिखते हैं ना, पहले टू वाला, अब देखिए दो पे भी मिथाइल है, फोर पे भी मिथाइल है। ठीक है, और दोनों सेम है, दोनों सेम है। ठीक है, तो हम ऐसे लिखते हैं टू कॉमा फोर, क्या लिखेंगे सर, टू कॉमा फोर, बहुत छोटी छोटी बातें हैं, टू कॉमा फोर। ठीक, यानी कि सर एक मुझे नया रूल मिला, यदि मुझे दो नंबर को अलग अलग दिखाना है तो उनके बीच में सर मैं कॉमा लगाता हूँ, ना ही कोई हाइफन, ना ही कोई सेमी कॉलन, ना ही कोई स्पेस, ओनली कॉमा, तो मुझे कॉमा से सेपरेट करना है, टू कॉमा फोर। ठीक है, अब देखिए सर मिथाइल दो बार रिपीट हुआ, तो जब भी मेरे पास ऐसे अल्काइल ग्रुप रिपीट होगा ना, रिपीट होगा तो उसके लिए एक नया रोल है ना, नया रोल है ना, तो इस अल्काइल ग्रुप को हम साइड चेन बोलते हैं, यानी कि जब भी साइड चेन रिपीट होगी तो हम क्या करेंगे सर, अगर दो बार है तो हम डाई लिखते हैं है ना, अगर तीन बार रिपीट हुआ तो ट्राई, डाई ट्राई टेट्रा है ना, ऐसे डाई ट्राई टेट्रा पेंटा, हालांकि यहाँ तक यूज नहीं होता है। ठीक है, समझे, जब साइड चेन रिपीट होगा है ना उसके लिए ये है, तो ये आप रूल लिख लीजिएगा है ना, कि जब पास और श्रृंखला है ना रिपीट होती, समान पास और श्रृंखला हो तब है ना, जब समान पास और श्रृंखला हो, असमान वाले में भी हम आते हैं। ठीक सर, यहाँ तो समान है और दोनों मिथाइल है, दो बार है, तो सर हम क्या लिखेंगे, डाई, क्या लिखते हैं सर हम लोग, डाई। ठीक है, तो टू कॉमा फोर डाई, अब है क्या सर, नाम क्या है इसका, सर मिथाइल है, तो डाई मिथाइल है ना, एक एक बात हम सीख लेते हैं। प्रीफिक्स हो गया वर्ड रूट सर सिक्स, सर जी सिक्स है ना हेक्स होता है, प्राइमरी सफिक्स उसी के अकॉर्डिंग हो रहा है, हर जगह सिंगल बॉन्ड, यानी कि एन सिंगल बॉन्ड से सर जी एन हो गया है ना, तो सर अपना नाम हो गया टू कॉमा फोर डाई मिथाइल हेक्सेन, क्या हुआ नाम, टू कॉमा फोर डाई मिथाइल हेक्सेन। कुछ नई बातें, पहली क्लास है, थोड़ा सा समय लूँगा मैं। न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल के बीच को हम कॉमा से सेपरेट करते हैं है ना, कॉमा से, कॉमा से, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो हर नेमिंग में चलेगा, यानी कि दो न्यूमेरिकल वैल्यू को हम कॉमा लगा के सेपरेट करेंगे, न्यूमेरिकल अल्फ़ाबेट के बीच में हाइफन लगाएंगे, किसी भी अल्फ़ाबेट के बीच में कोई भी गैप सैप कुछ भी नहीं होगा है ना, ऐसे लगातार। ठीक, अब आपका फेवरेट हिंदी के लिए, हिंदी का सेम हुई है ना, टू कॉमा फोर ऐसे डाई मेथिल, समझ रहे ना, टू कॉमा फोर डाई मेथिल हेक्सेन, तो हेक्सेन, तो ये क्लियर है, टू कॉमा फोर डाई मेथिल हेक्सेन, समझे ये चीज़। चलिए, तो ज़रा इसको आप अच्छे से नोट करें, फिर हम बात कर लेते हैं और कुछ डिफरेंट टाइप के एग्जांपल्स पे। ठीक है, तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। चलिए कुछ अलग एग्जांपल भी कर लेते हैं हम। ठीक है, तो फिर से एग्जांपल नंबर वन देखो आप, सी एच थ्री सी एच थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन। ठीक है, ऐसे ठीक है,
ठीक है, ऐसे सबसे पहली बात सर पैरेंट चेन है ना, क्या क्या मन में आएगा? 1 2 3 नहीं है, 1 2 3 4 5 6 आगे बढ़ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 ठीक है, और कुछ 1 2 3 4 5 6 7 है ना, 7 नहीं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी कि सर 8 कार्बन की पैरेंट चेन है। ठीक है, काउंटिंग करने के लिए सर रास्ते क्या क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए 1 2 3 4 है ना, 5 6 7 8 या फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ये करो या फिर 8 वो करो, सेम बात है ना, 5 करोगे तो 6 7 ये निकल जाएगा, हमें 8 तक लेके जाना है। ठीक है, 5 6 7 8 ठीक है। अब देखिए देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है भाई साहब है ना, कि कार्बन की लंबी श्रृंखला के साथ साथ सबसे ज़्यादा ब्रांचिंग भी होनी चाहिए। ठीक सर, मेरे पास दो ब्रांचिंग है, एक तो ये ब्रांच है और एक ये ब्रांच है। ठीक है, CH3 का सर नाम होता है मेथिल, क्या नाम होता है? मेथिल। CH2 CH3 दो कार्बन है, तो दो कार्बन सर एथिल होता है ना। ठीक, सबसे पहले तो हम लोवेस्ट सम रूल कर लेते हैं। अगर मैं सर इधर से काउंट करता हूँ, याद है आपको लोवेस्ट सम रूल फॉलो करेंगे सर, दूसरे पे पड़ता है मेथिल, चौथे पे पड़ता है एथिल, तो 4 2 6 हो गया। ठीक है, अगर मैं सर यहाँ से करूँ तो पाँचवें पे पड़ता है सर एथिल, पाँचवें पड़ता है एथिल, और सर सातवें पे, सात है ना, सातवें पे सर पड़ता है मेथिल, क्या पड़ता है सर? मेथिल। तो 7 7 5 12 तो 12 हो गया। ठीक, तो सर ऐसे केस में तो सर हम क्या करते थे, लोवेस्ट वाला लेके चलते हैं सर, कौन सा? लोवेस्ट वाला। ठीक है, ठीक। अब देखिए ये भी सर ना, अब सर ये ए बी टाइप का है, दोनों डिफरेंट टाइप के साइड चेन। ठीक, तो सर कैसे करें? अब एक नया रूल, क्या सर नया रूल क्या है ना, यही बताता हूँ, नोट। जब तक सेम साइड चेन था तब तो सर हम डाई ट्राई टेट्रा करके कर लेते थे। ठीक, अब ये नया रूल है, इसको थोड़ा सा आप कन्फ्यूज मत करिएगा। अब यहाँ पे क्या है, डिफरेंट यानी कि विभिन्न विभिन्न पास और श्रृंखला। अब यही सारी क्लासें हैं जो कि आपकी ज़िंदगी को बनाएगी, पास और श्रृंखला। तो फॉर विभिन्न पास और श्रृंखला है ना, हम इस केस में भी ना अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फ्लो फॉलो करते हैं। अल्फा, अभी थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करो। ठीक है, अच्छा ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर अलग है, इससे पहले जो मैंने अभी आपको बताया वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर अलग था। सर कैसे? इससे पहले जो हमने पढ़ा लोवेस्ट सम रूल में, हम जो स्थिति है पोजीशन को डिसाइड करने के लिए अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करते हैं, ये बात अलग है, ये बात अलग है। ठीक है, यहाँ तो मैंने पोजीशन डिसाइड कर ली है, अब मुझे प्रीफिक्स का नाम लिखना है। सर किसका नाम लिखना है? प्रीफिक्स का नाम लिखना है ना, जो कि अपना सेकेंडरी प्रीफिक्स है। तो अगर अलग अलग प्रकार के प्रीफिक्स हुए, सर अलग है क्यों? मिथाइल है और इथाइल है, दो अलग प्रकार के प्रीफिक्स है। अब मैं किसको पहले लिखूं? तो हमेशा याद रखिएगा, बहुत ही अच्छी बात है, प्रीफिक्स को हमेशा लिखते वक्त अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो होता है। अगर दोनों प्रीफिक्स सेम थे तब तो डाई ट्राई टेट्रा से काम चल गया। ठीक, यानी कि सर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ना दो जगह काम आता है, यानी कि दो कंडीशन है। एक क्या है, पोजीशन को डिसाइड करने के लिए प्रीफिक्स, पोजीशन को डिसाइड करने के लिए अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर लगता है ना, जो मैंने अभी आपको बताया है ना, उसका एग्जांपल लेता हूँ। दूसरा, जब प्रीफिक्स को लिखना हो तब भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर लगता है ना। यहाँ पर पोजीशन को डिसाइड करने के लिए अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर नहीं लग पाया, क्यों? क्योंकि पोजीशन दोनों डिफरेंट थी। अब दो अलग अलग पोजीशन है तो सर मैं छोटी वाली पोजीशन लेता हूँ। ठीक है, मैंने आपको बताया था, जब दो अलग अलग प्रकार के साइड चेन हो और उनके पोजीशन का सम करने पर भी ना दोनों सेम आ जाए, तब पोजीशन को डिसाइड करने के लिए हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करते हैं। ठीक है सर, बिल्कुल क्लियर है। और प्रीफिक्स को हमेशा लिखते वक्त अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करते हैं, यानी कि ये हमेशा लागू होगा, क्योंकि हमें प्रीफिक्स को तो हमेशा लिखना ही पड़ेगा, यानी कि ये हमेशा लागू होगा। लेकिन पोजीशन को डिसाइड करने के लिए लागू हो रहा है कि नहीं, वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि ये पोजीशन का सम समान आता है कि अलग अलग आता है। ठीक है, चलिए मेरे ख्याल से क्लियर है। तो ये वाली बात, इसको आप गांठ बांध लो, मेक इट अ पॉइंट है ना, इसको आप गांठ बांध लो, गांठ। ठीक है सर, क्लियर हो गया। यानी कि सर 6 जिस रास्ते से आता है वो रास्ता सही है, और 6 आने वाला रास्ता लेफ्ट से राइट था, यानी कि सर ये वाला रास्ता है ना। मेरे ख्याल से आपको दिख रहा है कैमरे में क्या।
अब दिख रहा हो कैमरे में आपको, क्यों कैमरे में दिख रहा है? दूसरे नंबर पर मिथाइल लगा है ना कैमरे में, शायद ब्राइटनेस है, दूसरे पे मिथाइल लगा है ना, समझ में आता है? चलिए सर नाम लिख दीजिए। नाम में क्या होता है, नाम में क्या रखा है? हाँ, सबसे पहले हम प्रीफिक्स लिखते हैं पोजीशन के साथ, है ना सर। किसको लिखूंगा? ये सर मिथाइल है, मिथाइल का मतलब सर एम से होता है अंग्रेजी का नाम। ये सर इथाइल है, इथाइल का मतलब सर ई होता है। यहीं पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर है, पहले एम आता है कि ई आता है? सर जी पहले ई आता है, तो पहले आप ई को लिखो विद पोजीशन। अकाउंटिंग तो सर ऊपर वाली सही है, तो सर चौथे नंबर पे सर ई है, तो फोर इथाइल, काफ़ी मेहनत का नाम है ना। अब हाइफन फोर इथाइल, अब देखिए दो पे मिथाइल, तो टू टू मिथाइल, है ना, यानी कि सर अपना फोर एथिल टू मेथिल, वर्ड रूट एक से होता है ऑक्ट, ऑक्ट सिंगल बॉन्ड से सर ए, समझे? तो फोर एथिल टू मेथिल ऑक्टेन, फोर एथिल टू मेथिल ऑक्टेन, है ना। तो फोर एथिल टू मेथिल, ठीक है, एंड ऑक्टेन, मेरे ख्याल से क्लियर है, कोई भी तकलीफ नहीं है, ठीक है। एक बात सर मैंने और सीखी, अल्फ़ाबेट न्यूमेरिकल अल्फ़ाबेट, इनको सेपरेट करने के लिए हम लोग हाइफन यूज़ करते हैं, हाइफन बीच में न्यूमेरिकल फिर हाइफन, दिख रहा है यहाँ पे कोई नंबर होगा, देखा? अल्फ़ाबेट और न्यूमेरिकल वैल्यू का हाइफन से सेपरेट करते हैं, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? इनके बीच में कॉमा सोमा कुछ नहीं होगा भाई, यहाँ हाइफन ही लगाना है, अल्फ़ाबेट और न्यूमेरिकल के बीच में हाइफन, ठीक है, ये चीज़ तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, बीच में यहाँ पर कोई भी कॉमा सोमा मत लगा देंगे ऐसे लगातार। तो सर फोर एथिल टू मेथिल ऑक्टेन, फोर एथिल टू मेथिल ऑक्टेन, ठीक है। अब एक एग्जांपल और देता हूँ, अभी बात क्लियर हो जाएगी, है ना। तो वन टू, अब मैं एक हैलोजन का ले लूँ क्या? अभी तक जो भी साइड चेन था ना वो अल्काइल ग्रुप था, अभी मैं चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। ठीक, अब अगली क्लास हम एल्कीन और एन एल्काइन करेंगे, है ना। पैरेंट चेन तो सर यही है, कार्बन की काउंटिंग होती है, वन टू थ्री फोर फाइव, ठीक है। दो रास्ते, ऊपर वाला वन टू थ्री फोर फाइव, नीचे वाला वन टू थ्री फोर फाइव, तो मैं ऊपर वाला और नीचे वाला बोलूँगा, ये सही है ना, ये चीज़, ठीक। सर फिर से वही बात, लेफ्ट से राइट करने पे, यानी ऊपर से काउंटिंग करने पे, दूसरे वाले पे ना कार्बन पे बीआर पड़ता है, फिर चौथे वाले कार्बन पे सर सीएल पड़ता है, है ना। अब की बार आपको याद है साइड चेन क्या है? सर हैलोजन है, यानी कि एक्स वाली कैटेगरी है, सर चार दो छः होता है, ठीक है। नीचे से सर काउंट करने पर ना दूसरे पर सीएल पड़ता है, चौथे पर सर बीआर पड़ता है, तो सर छः हो गया, देखा। अब ये वो कंडीशन है कि साइड चेन भी डिफरेंट है, साइड चेन डिफरेंट है, लेकिन सम करने पर ना नंबर सेम आ गया, यानी कि पोजीशन सेम है, तो मैं पोजीशन डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ, है ना, पोजीशन डिसाइड नहीं कर पा रहे, है ना। तो इस स्थिति में सर हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करते हैं, जो मैंने अभी आपको समझाया था, ठीक है। यानी कि सर पोजीशन को डिसाइड करते वक्त हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर यहाँ फॉलो करते हैं, तो अब यहाँ पे ना अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो हो जाएगा, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर, तो मैं सब लिख के समझा रहा हूँ एक बार, इसको फॉलो करना है, इसको सर फॉलो भी कैसे करना है ना। आप देखो हर प्रीफिक्स का नाम होता है, बीआर का नाम सर ब्रोमो है, क्या है, अब मैं लिख देता हूँ आपके लिए, बीआर का नाम सर ब्रोमो होता है, मैंने बता रखा है, ठीक है। सीएल का नाम सर क्लोरो होता है, क्लोरो होता है ना। सर बीआर का स्टार्टिंग बी से है, क्लोरो का स्टार्टिंग सर सी से है, तो बी एंड सी अल्फाबेट में कौन पहले आता है, ए बी सी डी, सर पहले बी आता है, यानी कि पहले बी आता है, तो मैं इस बी की पोजीशन को हमें छोटी रखनी है, मतलब इसे मुझे लोवेस्ट पोजीशन देनी है, यानी कि मुझे इसे न्यूनतम स्थिति देनी है, तो बी को सर न्यूनतम स्थिति देनी है। तो सर बी न्यूनतम कैसे रह पाएगा, आप देखो अगर मैं ऊपर से काउंट करूं, सर दूसरे कार्बन पे बी आता है यानी ब्रोमो आता है, अगर मैं नीचे से काउंटिंग करूं तो सर चौथे कार्बन पे ब्रोमो आता है, तो बी को सर मुझे लोवेस्ट रखना है, यानी कि मैं मुझे ब्रोमो को लोवेस्ट रखना है, तो ब्रोमो को लोवेस्ट रखने के लिए सर मुझे मजबूरी है कि ऊपर से काउंटिंग करना पड़ेगा, तो सर ये वाली काउंटिंग का रास्ता सही है, यानी मैं ऊपर से काउंटिंग करूँगा, नीचे वाली काउंटिंग गलत है, बात समझे। तो इस तरीके से अल्फाबेटिकल ऑर्डर का यूज़ करके हम लोग स्थिति डिसाइड करते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया।
अब क्या है, अब मुझे नाम लिखना है। अब नाम लिखने में सबसे पहली बात क्या आएगी, प्रीफिक्स का नाम लिखो। अब दो अलग प्रकार के प्रीफिक्स हैं, तो किसको पहले लिखो, तो प्रीफिक्स को लिखते हुए भी हमेशा हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करते हैं, ठीक है। यानी कि पहले मुझे बी को लिखना चाहिए था, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इधर से आ रहे हैं, पहले बी पढ़ा तो पहले बी को लिख दिया, ये गलत है। ये बी यहाँ भी लिखा हो सकता था, ठीक है, तो बात समझे। तो अब मुझे नाम लिखना है ना, तो नाम लिखते वक्त हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर से फॉलो करते हैं। तो पहले ब्रोमो लिखूँ कि क्लोरो लिखूँ, तो पहले ब्रोमो लिखूँगा सर, पोजीशन के साथ में, ऊपर वाली काउंटिंग सही है। तो सर टू पे है ब्रोमो, ठीक है सर, इतने में नाम ही नहीं आ पाएगा, स्टार लगाता हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ नाम, ठीक है। हाँ जी सर, टू ब्रोमो, क्लियर है सर, ठीक है। अब सर, अब सी एल तो सर फोर पे आएगा ना, फोर क्लोरो, ठीक है सर, फोर क्लोरो, है ना, जगह नहीं है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ ना। फाइव से सर पेंट होता है, ठीक है सर, पेंट होता है फाइव से, है ना, पेंट सिंगल बॉन्ड सर एन होता है, एन, बात समझ में, समझ रहे हो। क्लोरो पेंटेन साथ में लिखना था, मतलब ऐसे लिखना है, क्लोरो पेंटेन, ऐसे कोई भी स्पेस नहीं है, ठीक है। तो ये नाम हो गया टू ब्रोमो फोर क्लोरो पेंटेन, यानी कि पहले बी आया फिर सी आया, चार दो छः, लोवेस्ट सम रूल भी फॉलो, लोवेस्ट सम रूल तो यहाँ फेल हो गया, ठीक है ये चीज़। तो टू ब्रोमो फोर क्लोरो पेंटेन, हाँ जी आपका फेवरेट, टू ब्रोमो फोर क्लोरो, अब ब्रोमो क्लोरो फ्लोर सब पहले पढ़ा चुका हूँ ना, इसका नाम टू ब्रोमो फोर क्लोरो, फिर सर क्या है पेंटेन, तो ऐसे पेंटेन, ठीक है, क्लियर हो गई यहाँ तक बात। चलिए एक मैं और समझा देता हूँ, फिर हम लेक्चर ख़त्म करते हैं, फिर अगली क्लास में हम लोग एल्कीन एंड एल्काइन का करेंगे, ठीक। फिर आप देखो एक और, वन टू है ना, सी एल आई है, देखो आप ज़रा सर, पैरेंट चेन तो क्लियर है ना, यही होगी ऊपर से, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ठीक है, नीचे सर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ठीक है। मैं फिर से समझाने के लिए इतना काम कर रहा हूँ सर, ऊपर से करने पर ना सर टू पे आता है क्लोरो, है ना, यानी कि क्लोरीन क्लोरो, सर फोर पे आता है मिथाइल मिथाइल, ठीक है। ध्यान दिया आपने, यहाँ पे दोनों साइड चेन आर था, एल्काइल ग्रुप था, यहाँ पे दोनों साइड चेन हैलोजन था, अब साइड चेन हैलोजन और एल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, क्यों सर, चार दो छः होता है, ठीक है सर, चार दो छः होता है। अब सर यहाँ से देखिए, नीचे से करूँगा, तो तीसरे पे सर क्या पड़ता है ना, मिथाइल ग्रुप पड़ता है तीसरे पे, मिथाइल, पाँचवें पे सर सील आता है, पाँचवें पे सर पाँच तीन आठ हो गया, ठीक है सर, क्लियर है यहाँ तो सर, बात ही क्लियर है ना। ये छोटा वाला ले लेंगे हम, छोटा वाला, है ना, कोई दिक्कत नहीं, जब सेम सेम आता है ना तब तकलीफ होती है ना, ठीक है, कोई तकलीफ नहीं है। अब मुझे लिखना है सर, सी एल होता है क्लोरो, सी3 होता है मेथिल, तो पहले एम की सी, मेथिल एम से क्लोरो सी से, सर पहले सी आता है, तो काउंटिंग सर ऊपर वाली करेक्ट है ना, ये चीज़ पहले सी आता है, तो लिख दो सर आप टू क्लोरो, तो अब मैं हिंदी लिख देता हूँ, टू क्लोरो यानी कि सी, टू क्लोरो, और फोर पे क्या है सर, फोर मेथिल, तो अपना सर ये फोर मेथिल, ठीक है। अब सर वर्ड रूट सिक्स से सर हैक्स, हैक्स है ना, और हेक्सेन, तो ये हो गया हेक्सेन अपना सिंगल बॉन्ड से, ठीक है, तो टू क्लोरो फोर मेथिल हेक्सेन नाम हो गया, ठीक। चलिए तो यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको क्लियर है, ठीक है, तो ये अलग केस ध्यान रखिएगा, है ना। चलिए तो आज हमने कर लिया एल्केन की नेमिंग, और हमने एक डिफरेंट टाइप से यहाँ पर एग्जांपल्स भी देख लिए। अगली क्लास करेंगे हम लोग एल्कीन एंड एल्काइन की नेम, एल्कीन एंड एल्काइन की नेमिंग, एल्काइन, ठीक है, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे, ठीक। तो अभी तक देखते रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।